एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाने वाले प्रदीप शर्मा को मुंबई हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व पुलिसकर्मी प्रदीप शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुंबई में गैंगस्टर छोटा राजन के करीबी सहयोगी राम नारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया की वर्ष 2006 में फर्जी मुठभेड़ में हुई मौत के मामले में प्रदीप शर्मा को दोषी ठहराया गया। वहीं 13 अन्य आरोपियों की दोष सिद्धि भी बरकरार रखी। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस गौरी गोडसे की बेंच ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने साबित किया है कि गुप्ता को पुलिस द्वारा मार दिया गया था और इसे एक रियल एनकाउंटर की तरह दिखाया गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कानून के रक्षकों को वर्दी में अपराधियों के रूप में कार्य करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और अगर इसकी इजाज़त दी गई तो इससे अराजकता फैल जाएगी और लोगों का कानून से भरोसा उठ जाएगा। बेंच ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने विश्वसनीय ठोस और कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य के आधार पर फर्जी मुठभेड़ में गुप्ता के अपहरण, गलत तरीके से कैद किए जाने और हत्या को उचित संदेह से परे साबित किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि हमने पाया है कि अभियोजन पक्ष ने बिना किसी संदेह के ये साबित किया है कि जब राम नारायण आरोपियों की कैद में था तो उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और इसे छुपाने के लिए इसे वास्तविक मुठभेड़ का रंग दिया गया। बेंच ने सबूतों के अभाव में शर्मा को बरी करने के सत्र न्यायालय के 2013 के फैसले को भी रद्द कर दिया। प्रदीप शर्मा 1983 बेंच के पुलिस अधिकारी हैं। वे मुंबई अंडरवर्ल्ड के खिलाफ अपनी मुहिम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गावली और अमर नाइक जैसे गैंगस्टर के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन अंजाम दिए। वर्ष 2010 में शर्मा को राम नारायण गुप्ता के उर्फ लखन भैया की फर्जी मुठभेड़ में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 2017 में वो पुलिस फोर्स में फिर से शामिल हो गए और आगे चलकर तत्कालीन आयुक्त परमबीर सिंह के अधीन थाने पुलिस में ACP के रूप में कार्य किया। इसके दो ही साल बाद जुलाई 2019 में उन्होंने शिवसेना में शामिल होने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने मुंबई के नाला सोपारा से विधानसभा चुनाव लड़ा था जिसे वो हार गए थे। वर्ष 2021 में प्रदीप शर्मा को विस्फोटक मामले और मनसुख हिरेन हत्या मामले में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA द्वारा दूसरी बार गिरफ्तार किया गया था। शर्मा पर हिरेन के शव को ठिकाने लगाने में शामिल होने का आरोप था। हाईकोर्ट ने प्रदीप शर्मा को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को गलत और नहीं टिकने लायक करार दिया। अदालत ने कहा कि निचली अदालत ने शर्मा के खिलाफ उपलब्ध पर्याप्त सबूतों को नज़रअंदाज कर दिया। सबूत मामले में उनकी संलिप्तता को स्पष्ट रूप से साबित करते हैं। 11 नवंबर 2006 को एक पुलिस दल ने राम नारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया को नवी मुंबई के बाशी से इस संदेह में पकड़ा था कि वो राजन गिरोह का सदस्य है। उसके साथ उसके दोस्त अनिल भेड़ा को भी पकड़ लिया गया। गुप्ता तो उसी शाम पश्चिम मुंबई के उपनगरीय वासोरवा में नाना नानी पार्क के पास एक फर्जी मुठभेड़ में मार डाला गया था। अदालत ने कहा कि शर्मा को आपराधिक साजिश, हत्या, अपहरण और गलत तरीके से कैद करने सहित सभी आरोपों में दोषी ठहराया जाता है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। पीठ ने शर्मा को 3 सप्ताह में संबंधित सत्र अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।